जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। ओम जय नमस्ते शिवा। सर नमस्ते जी, नमस्ते 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 सर जी, शिवा, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार सर, सभी को प्रणाम। किसी की नमस्ते नहीं ली जाएगी, कृपया अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज कोई नमस्ते आपकी नहीं ली जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक जो है, हम साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो साइकोलॉजी में जब हम घुसते हैं तो हम हर चीज की डेप्थ में घुसते हैं, और जब हम हर चीज की डेप्थ के अंदर घुसते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें समझ में आती हैं अपने जीवन के अंदर, जो कि लगता है कि मुश्किल है और लगता है कि शायद मैं इस चीज के लिए नहीं बना, और ऐसा भी लगता है कि कुछ मिसिंग है मेरे पास। जब ऐसा सब कुछ हमें महसूस होता है तब हमें एक सिस्टम को समझना होता है जो हमारे साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी साइकोलॉजी के साथ कौन सा सिस्टम जुड़ा हुआ है? मेरे को ये पता है कि मेरे क्या सोचने से क्या रिफ्लेक्शन आएगा, मुझे ये पता है कि मेरे क्या एक्शन से क्या रिएक्शन बनेगा सामने। तो उस केस के अंदर जब मैं आगे बढ़ने लगता हूँ अपने जीवन के अंदर, सब कुछ साइंस जानने के बाद कि मैं अमीर हूँ, अमीर होना मेरा अधिकार है, मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वैसे कर सकता हूँ, फिर भी एंड ऑफ द टाइम ना एक चीज ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाती है। दैट इज वॉट, मैं अमीरी का करूंगा क्या? अमीरी मेरे पास आ गई, ठीक है, मैं सारी साइकोलॉजी में पैसे की बात कर रहा हूँ, सारी साइकोलॉजी में अमीरी की बात कर रहा हूँ, अमीरी मेरे पास आ गई, अब मैं अमीरी का करूंगा क्या, इस बात का मेरे पास क्या जवाब है? और जब तक मैं सुरक्षा का भाव अपने भीतर सिर्फ पैसे से महसूस करूंगा, या मैं सुरक्षा का भाव अपने भीतर किसी और चीज से भी महसूस कर सकता हूँ। शरीर और मन दो अलग अलग चीजें हैं, मानते हैं हम लोग इस बात को, ठीक है जी। अब ऐसे ही पैसा और खुशियां दो अलग अलग चीजें हैं। आप पैसे से पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन उस पैसे को अगर मैंने इंजॉय नहीं किया, मतलब मैं खुश नहीं रहा, तो पैसा किस काम का? और तीसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है, मनी प्लस हेल्थ, ठीक है जी। मुझे हेल्दी भी रहना है तभी मैं खुशियों को महसूस कर पाऊंगा, अगर मैं हेल्दी नहीं रहा तो मैं खुशियों को महसूस नहीं कर पाऊंगा अपने जीवन के अंदर, पैसा चाहे फिर मेरे पास कितना भी पड़ा हो। तब जब समझ में आता है कि ये सारा जो गेम है पैसे का, दैट इज वेरी टेम्परेरी, मतलब मेरे पास पैसा तो हो लेकिन मैं पैसे के लिए इतना भी पागल नहीं हूँ कि मेरी हेल्थ पे इफेक्ट आ जाए, मेरे पास हेल्थ तो हो लेकिन मेरे पास खुशियां भी हों, तो उन खुशियां भी हों, और लेकिन मैं ये सब कुछ पाने की खोज भी करूं, हेल्थ, खुशियां, पैसा, उन सब के बीच में मैं खुद भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूं, मेरी हैप्पीनेस भी मेरे साथ होनी चाहिए, और अपनी उन हैप्पीनेस को मैं किस प्रकार से अपनी लाइफ के अंदर इंजॉय कर सकता हूँ। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग पैसा कमा के और छोड़ के चले गए। आपको पता है कि दुनिया में इंसान तो गरीबी रेखा के नीचे चल रहे हैं, लेकिन कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो अरबपति हैं, खरबोपति हैं, उनके मालिक अपनी संपत्तियां उनके नाम करके चले गए हैं, डॉग्स के नाम पे। उन डॉग्स के नौकर चाकर भी हैं, वकील भी हैं, सब कुछ है उनके पास, वो हर फैसिलिटी जो एक अमीर आदमी के पास होनी चाहिए, वो ऐसा क्यों करके चले गए? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैसा ही कमाया, पैसे के साथ जो दूसरी चीजें उनको कमानी चाहिए थी उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भाई, मेरी अमीरी बाहर से डिसाइड होती है, भीतर की अमीरी बहुत अलग है। क्या कहा मैंने कि भैया बाहर से किसी ने कहा आप बहुत अमीर हो, आप बहुत पैसे वाले हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, ये भीतर की बाहरी अमीरी है। बाहर से किसी ने मेरी कार देख ली, बाहर से किसी ने मेरे फोन देख लिए, बाहर से किसी ने मेरे कपड़े देख लिए और उसने मुझे अमीर घोषित कर दिया तो मैं अमीर हूँ, लेकिन मेरे भीतर की अमीरी अलग है, मेरे अंदर की अमीरी बिल्कुल अलग है। तो मेरे अंदर की अमीरी के लिए मेरी साइकोलॉजी कहती है कि मैं क्या करूं, कि मैं अगर एक बार अमीर बन जाऊं तो दोबारा कभी गरीब ना हो, पहली बात।
मेरे पास इस बात की सुरक्षा होनी चाहिए। सेकंड एंड इम्पोर्टेंट, खुशियों मेरे जीवन की सबसे बड़ी अमीरी है। अगर मेरे पास बहुत पैसा और मैं खुश नहीं हूं तो कहावत तो सुनी होगी, पैसे वालों के बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़ते हैं। और अगर आपके परिवार में एक भी ऐसा केस है, बच्चा खराब है, तो पूरा परिवार ही डिस्टर्ब है, फिर पैसा कहाँ काम आ रहा है आपके। तो मेजर क्या है, पैसा और खुशियां दोनों एक साथ होने चाहिए। जैसे कहते हैं कि शरीर और मन दोनों एक साथ होने चाहिए, तभी एक हेल्दी में जम बना पाते हैं। और पैसा और खुशियां अगर दोनों मेरे पास हैं और मैं इस सुरक्षा के भाव में जीता हूं कि जहां मैं गरीब नहीं हो सकता, तो फिर मैं एक सक्सेसफुल अमीर व्यक्ति कहलाने के लायक हूं। अदरवाइज मैं क्या हूं, अदरवाइज मैं भाग रहा हूं बट मुझे नहीं पता मेरी मंजिल कहाँ है। इसको कहते हैं दूसरी लाइफ में कि इफ यू डोंट हैव पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपका पैसे को लेके गोल है लेकिन लाइफ को लेके गोल नहीं है, तो फिर आप कुछ बड़ा मिस कर रहे हो, उतना ही बड़ा मिस कर रहे हो जितना बड़ा मिस माइकल जैक्सन या स्टीव जॉब्स करके चले गए, जो दुनिया के टॉप अमीरों में आते थे। उतना ही बड़ा मिस कर रहे हो कि जितना बड़ा मिस कोई दूसरा अमीर आदमी करता है और कहता है ओ माय गॉड, पैसा तो बहुत है बट क्या नहीं है, हैप्पीनेस। फिर वो समाज के प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, किसके लिए, हैप्पीनेस को। बूढ़े होकर शादी करेंगे, कोई चाहिए बात करने के लिए, कुछ तो चाहिए, बंद दरवाजे और नौकर चाकर से थोड़ी आदमी की जिंदगी चलेगी, कुछ अपनापन चाहिए, कुछ फीलिंग्स चाहिए, वो नहीं मिलती फिर उनको, खरीदने से भी नहीं मिलती। और जो भी उनसे जुड़ता है वो उनके पैसे की वजह से जुड़ता है। ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमने पहले से कुछ डिसाइड करके नहीं रखा हुआ, पहले से सिर्फ एक ही बात डिसाइड करी कि मुझे अमीर बनना है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत दौलत है। लेकिन उस दौलत और पैसे का आप करोगे क्या, अमीरी एक रिवॉर्ड समझो, अमीरी एक टैग समझो जो आपको मिल गया, बट देयर इज योर हैप्पीनेस, आप उस अमीरी के साथ जियोगे कैसे। और अगर उस अमीरी के साथ में जिया नहीं विदाउट एनी गोल एनी पर्पस, तो फिर मैं अमीर हुआ ही क्यों, फिर मेरा अमीर होना ना होना एक बराबर है उस केस के अंदर। और अगर मेरे को बेहतरीन तरीके से अमीरी को एंजॉय करना है, तो अमीरी के साथ मेरा एक पर्पस जुड़ा होना चाहिए, उस पर्पस के अंदर मेरी हैप्पीनेस होनी चाहिए, मेरी खुशियां होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, मैं जब तक जीऊंगा मैं अमीर रहूंगा, ये सोचना बहुत अच्छी बात है, बट मैं जब तक जीऊंगा स्वस्थ रहूंगा, खुश रहूंगा, अमीर रहूंगा, इस बात को सोचने में भी कोई बुराई नहीं है। और ये बात भी हमें सोचनी चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बात किस चीज की करते हैं, अमीरी की, कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, लेकिन एक लेवल पे आके वो अपने ही पैसे को यूज नहीं कर पाते। एक लेवल पे सारी दुनिया उनके पैसे को यूज कर रही है, वो स्वयं अपने पैसे को यूज नहीं कर पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या क्या खो दिया उन्होंने, और वो अमीर बने या मजदूर बने, वो किस्मत से अच्छे थे या किस्मत से खराब थे, इस बात का फैसला वो स्वयं भी नहीं कर पाते कि हमसे गलती कहाँ पे हुई है। और ये मिस्टेक पहली बार नहीं हो रही है, ऐसी मिस्टेक 500 बार इतिहास में हुई है, और लगातार ये मिस्टेक लोग करते हैं अपने जीवन के अंदर, बार बार ये मिस्टेक करते हैं। अमीर बनने का स्वप्न होना बहुत जरूरी चीज है हमारे जीवन में, बट विदाउट पर्पसफुल होना बहुत खराब है। अगर हम पर्पसफुल नहीं है तो अमीरी अभिशाप भी हो सकती है उस केस के अंदर, और अगर हम पर्पसफुल नहीं है तो अमीरी मेरी हेल्थ के ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है, और मेरी खुशियां अमीरी से नहीं है, मेरी दौलत जो शब्द है अगर मैं उसको किसी चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ तो दैट इज हैप्पीनेस। मैं अपनी दौलत को अपनी हैप्पीनेस के साथ ही रिप्लेस कर सकता हूँ, और किसी चीज के साथ में उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मैंने अपनी हैप्पीनेस के लिए अपने जीवन में क्या गोल तय किया है। दूसरी बात,
जब तक मैं जीता हूँ अपने जीवन के अंदर जीना चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहता हूँ, मतलब मेरे लास्ट मोमेंट क्या होने चाहिए, इस बात को मैंने कैसे डिफाइन किया है। अर्ली रिटायरमेंट सबका गोल है कि भैया मेरे को 45 में रिटायर होना है, मेरे को 50 में रिटायर होना है, मेरे को 60 में रिटायर होना है, बट रिटायर होके आपको करना क्या है, इस गोल के बारे में आपने क्या सोचा है? और अगर आपने इस गोल के बारे में नहीं सोचा है तो मतलब आपने अमीरी के रहस्य को भी समझा नहीं है। तो मतलब अभी आपने अपना पेज कहीं ऐसी जगह पे फंसा के रखा हुआ है जहाँ पे कि ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मैं दौड़ तो रहा हूँ लेकिन एक नंबर के पीछे दौड़ रहा हूँ, और आज नहीं तो कल मैं उस नंबर तक पहुँच जाऊँगा। सिंपल गेम, एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है 100 और आप खड़े हो मान लो 30 पे, तो हर साल आप एक कदम आगे जा रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा ना हम उस बोर्ड तक पहुंच जाएंगे, और फिर जैसे हम उस बोर्ड को हटाएंगे तो लिखा हुआ दी एंड, गो जाओ। कहाँ 16 की प्रमोशन हो गई आपकी, 100 साल की उम्र है मान लो। तो हर रोज हम अपनी उम्र की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है जी, बट उस उम्र में मैंने 60 साल में रिटायरमेंट मांग ली, मैं लंबा जीना चाहता हूँ लेकिन जी के करना क्या चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है। पैसे की मेरे पास कमी ना हो उसके मैं 10 रास्ते बना लूंगा, लेकिन मैं जी के क्या करूंगा, मेरी हैप्पीनेस और मेरी अमीरी का मैं करूंगा क्या, जब तक मेरे पास ये नहीं है तब तक साइकोलॉजिकली मैं सिर्फ पैसे वाला अमीर हूँ, मैं रियल अमीरी नहीं हूँ। जो अमीरी को भोग सकूँ, जो अमीरी को इंजॉय कर सकूँ, वो अमीरी मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ पैसे वाला अमीर हूँ। क्या कहते हैं कि बहुत ना गहरा उतरना पड़ता है साइकोलॉजी के अंदर हमें, और जब हम गहरे उतरते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बट होता इसका उल्टा है, हमें नए नए सवाल मिल जाते हैं जब हम गहरे उतरते हैं, और नए नए उलझने हमें महसूस होती हैं जब हम गहरे उतरते हैं। भैया गए तो जवाब ढूंढने थे और लेके क्या आ गए सवाल, अब क्या करें। इट्स सिंपल, ये बहुत सिंपल है हमारे जीवन के अंदर, कि जब मैं अमीरी की बात कर रहा हूँ और जब मैं बात कर रहा हूँ अपने रिटायरमेंट की, और मेरे पास अगर कोई प्लान या पर्पस नहीं है तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने मजदूरी करी, दौलत कमाई दूसरों के लिए, सपने देखे दूसरों के लिए, और सब कुछ जो भी कुछ किया वो दूसरों के लिए, उस अमीरी के अंदर मैं खुद नहीं कुछ भी कर पाया, और जब मैं खुद कुछ नहीं कर पाया ना तो वो अमीरी क्या है, वो अमीरी बिल्कुल बेकार है, वो अमीरी लाचारी बन जाएगी, और वही अमीरी कहाँ तो मेरे लिए वरदान होनी चाहिए थी, कहाँ अभिशाप बन जाएगी। ऐसा ही होता है हमारे जीवन के अंदर कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम अपने आप को झोंक देते हैं अमीर बनने के लिए, हम अपने आप को झोंक देते हैं अपने सपनों के साथ जीने के लिए, बट उसके बीच में हम एक गोल रखते हैं अमीर बनने के लिए, इतने पैसे कमाने हैं, ये गाड़ी लेनी है, ये घर लेना है, ये लैंड लेनी है, ये ऐसे करना है, ये वैसा करना है, बट बीच में गोल देते हैं बाद में हमें क्या लेनी है, रिटायरमेंट। क्या लेनी है, रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट शब्द अभिशाप है अमीरी के अंदर, मतलब एक बहुत बड़ा अभिशाप कि मुझे रिटायर होना है, मुझे कभी भी रिटायर्ड नहीं होना, ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, क्योंकि मैं व्यस्त हूं तो मैं मस्त हूं, और अगर मैं व्यस्त नहीं हूं तो मैं त्रस्त हूं, तो मैं त्रस्त हो जाऊंगा अगर मैं व्यस्त नहीं होऊंगा तो, क्योंकि मेरे पास ऊर्जावान रहने का कोई कारण ही नहीं बचेगा, मेरे पास करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, तो फिर मैं अपनी अमीरी को भोग ही नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब मुझे रिटायरमेंट शब्द को काटा लगा देना है अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। रिटायरमेंट शब्द अमीरों की डिक्शनरी में नहीं आता। रतन टाटा ने रिटायरमेंट ली थी लेकिन देखा जैसे कुछ और गड़बड़ हो रही है, रतन टाटा वापिस आ गया। क्यों? कहते हैं कि वो बूढ़ा है, उसने कभी नहीं कहा मैं बूढ़ा हूँ। रतन टाटा ने कभी नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हूं,
और लोगों ने कहा कि वो बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन वो बूढ़े नहीं हैं, जो अपने बिजनेस को बढ़िया से संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अब मुझे रिटायर क्यों नहीं होना, क्योंकि मुझे अपनी अमीरी को एंजॉय करना है। अब रिटायर काम से नहीं होना, या रिटायर अमीरी से नहीं होना, या रिटायर हैप्पीनेस से नहीं होना, एग्जैक्टली मुझे काम तो करना ही है, काम से तो रिटायरमेंट एक टाइम पे आके लेनी है, बट मुझे अपनी हैप्पीनेस से कभी रिटायरमेंट नहीं लेनी है। मुझे कुछ ना कुछ ऐसे काम करने हैं जो हमेशा मुझे खुश रखे और जो हमेशा मुझे जिंदा रहने के लिए, अपनी अमीरी को एंजॉय करने के लिए मोटिवेट करें। अब वो काम क्या हो सकते हैं? वो काम ऐसे हो सकते हैं कि व्हेन वी आर यंग, जिस मोमेंट पे हम यंग होते हैं या जिस भी एज में हम आज हैं, तो हमारा एक प्रोफेशन है, हमारा एक प्रोफेशन है, और हम उस काम को करते हैं। जो भी काम हम करते हैं, उस काम से संबंधित लोगों के ग्रुप को बनाना, एक ग्रुप बनाना, ठीक है जी, और उस ग्रुप के अंदर कॉम्पिटिटर नहीं, दोस्ती के भाव से सबके साथ जुड़े रहना, एज फ्रेंड, ठीक है। जब भी आप इस ग्रुप, अपने ग्रुप से मिलें, तो आपके पास क्या होना चाहिए शेयर करने के लिए? हैप्पीनेस। आपके पास शेयर करने के लिए क्या होने चाहिए? अच्छी बातें, चुटकुले, मस्ती, प्लान्स, कहीं घूमने जाना साल में एक बार, कुछ अच्छी मेमोरीज को इकट्ठे करना लाइफ के अंदर। इस प्रकार का हमें एक अपना ग्रुप तैयार करना है। दोस्त कोई भी हो सकते हैं आपके, लेकिन ऐसा एक ग्रुप होना मेरे पास बहुत जरूरी है। उस मैं अमीरी को तो जी रहा हूँ, लेकिन मैं अमीरी के साथ जो हैप्पीनेस है उसको अगर जीना चाहता हूँ, तो मेरी लाइफ का ये हिस्सा होना बहुत जरूरी है। मेरे वो दोस्त मुझे हमेशा ये कॉन्फिडेंस देंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, रिटायरमेंट के बाद मैं अकेला नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा प्लान क्या, रिटायरमेंट होगी तो एक फार्म हाउस में रहूंगा आराम से, चैन से। नहीं भाई, मेरे दोस्त भी तो होंगे, तभी तो पार्टी करूंगा, तभी तो मस्ती करूंगा, तभी तो डांस करूंगा, और अगर बैठा रहूंगा तो क्या होगा, हड्डियां जुड़ जाएंगी। अगर मैं बैठा रहूंगा तो मेरी हड्डियां जुड़ जाएंगी, और डांस करूंगा तो हड्डियां एक्टिव रहेंगी। ऐसे गोल्स मेरे माइंड के अंदर होने चाहिए। लाइफ का ये गोल होना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका अमीर होना है। अगर आपने ऐसा कोई गोल अपने जीवन के अंदर नहीं बना रखा कि रिटायरमेंट के टाइम पे मैं क्या करूंगा, तो सारी की सारी जो अमीरी है ना आपकी, वो धरी की धरी रह जाएगी। कौन ले जाएगा? बच्चे ले जाएंगे और कहेंगे आपको कुछ नहीं पता, अब हमें करने दो काम, ये प्लाट इसका और ये प्लाट इसका, ठीक है जी। बच्चे सारा काम अपने आप संभाल लेंगे और हम हो जाएंगे रेस से बाहर। उस केस के अंदर कमांड मेरे हाथ में रहेगी मेरी हैप्पीनेस की, जब मेरे साथ एक ग्रुप होगा और अपनी ही एज के लोगों का ग्रुप होगा उस टाइम के हिसाब से, और उस ग्रुप के साथ मेरी सालों साल की दोस्ती होगी, तो मैं कभी भी उस एज में खुद को बूढ़ा नहीं मानूंगा। मैं उस एज में अपने आप को एनर्जेटिक मानूंगा। अपनी एज के व्यक्तियों के साथ जब कोई व्यक्ति खेलता है तो वो सीखता है, अपनी एज के व्यक्तियों के साथ जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वो सीखता है। अपनी एज के व्यक्तियों के साथ ही आप उस कंफर्ट जोन का मजाक कर सकते हो, अपनी एज के ग्रुप के लोगों के साथ ही कंफर्ट जोन की बातें कर सकते हो। आई एम राइट? अपने से छोटों से नहीं करते, आप अपने से बड़ों से भी नहीं करते, अपनी एज के ग्रुप से ही आप सारा काम करते हो। तो ग्रुप में अगर मेरे जीवन के अंदर आनंद नहीं है, मेरे जीवन के अंदर खुशियां नहीं है, तो मेरी सारी की सारी अमीरी बेकार है। और ग्रुप में, जो ग्रुप में आज बना रहा हूँ अपना जीवन का, जो मैं एक सिस्टम आज बना रहा हूँ, उस सिस्टम को मैंने किसी लालच, किसी भाव या किसी उससे नहीं बनाना, क्या नाम है, मकसद से नहीं बनाना। सिंपल सिंपल है कि हम सिर्फ दोस्त हैं और हमारे व्यापारिक कोई रिश्ते नहीं है, हमारे व्यापारिक कोई रिश्ते नहीं है। वी आर फ्रेंड्स, और हमारी जो दोस्ती है वो आपस में एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस शेयर करने के लिए है, हैप्पी मोमेंट शेयर करने के लिए है। ये गोल हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रिटायरमेंट वो दीमक है जो शरीर को खा जाती है। रिटायरमेंट शब्द आपको ये बताता है, आपको पता है जापान के अंदर रिटायरमेंट शब्द नहीं बोला जाता, एंटायर जापान के अंदर रिटायरमेंट शब्द बोलने पे फाइन है, आप ये शब्द यूज ही नहीं कर सकते, मतलब उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है ये शब्द। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि रिटायरमेंट का मतलब है सिरेंडर,
आपने सरेंडर कर दिया कि अब आप काम करने के लायक नहीं रहे, मतलब आप किसी काम के नहीं रहे। गेटिंग माई पॉइंट? और ऐसा ही होता है, जब कोई व्यक्ति रिटायर होने वाला होता है तो उसकी बूढ़े होने की स्पीड बढ़ जाती है। आप देखिए सरकारी नौकरी वालों को 5 साल पहले टेंशन हो जाती है, 10 साल पहले गिनना शुरू कर जाते हैं, 8 साल की नौकरी है, 5 साल की नौकरी है, 7 साल की नौकरी है, अब तो बस 2 साल की रह गई है, अगले साल तो रिटायर हो जाना है, अगला साल अभी बहुत दूर है। लेकिन वो व्यक्ति पहले ही सरेंडर कर चुका है 4-5 साल पहले। क्यों कर गया वो सरेंडर? वो सरेंडर इसलिए कर गया क्योंकि उसको पता है अब मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। अब सरकार के लिए काम के नहीं रहोगे, समाज के लिए तो बहुत काम के होगी। आप समाज में आप बहुत कुछ कर सकते हो और बहुत सारे बिजनेस कर सकते हो, काम कर सकते हो। वेयर इज प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपने रिटायरमेंट का सिस्टम प्लान ही नहीं किया। मैंने प्लान किया फार्म हाउस, क्या अकेले रहोगे फार्म हाउस में? मैंने प्लान किया एक बड़ा सा सुंदर सा घर, क्या अकेले रहोगे? आप खुश कहाँ रहेंगे? आप स्वस्थ कहाँ रहेंगे? आप एक एनवायरनमेंट में खुश रहेंगे, एक स्वस्थ में, एक उसके मतलब आप एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा तभी आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अदरवाइज आप कहाँ खुश रहेंगे और कहाँ स्वस्थ रहेंगे आप खुद बताइए इस केस के अंदर। अगर वो एनवायरनमेंट नहीं है, मान लो आपने फार्म हाउस ले लिया, चले गए आप जंगल की साइड में, क्या आप वहीं रहोगे जंगल में और अकेले रहोगे और जल्दी बूढ़े हो जाओगे? एक सिस्टम, एक कंपनी, एक आर्मी आपके साथ तैयार होनी चाहिए जो कि आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे आपका एक फ्रेंड्स ग्रुप, जिनके साथ आप मजाक कर सको, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सको, जिनके साथ आपकी बातें हों, जिनके साथ आप अपने अनुभव शेयर कर सको। और इस फ्रेंड ग्रुप को किसी मकसद के साथ जोड़ना चाहें तो किसी सोशल वर्क के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कोई नेचर के लिए काम करना है, हर संडे हम मिलेंगे घंटे के लिए, दो पहले क्रिकेट खेलेंगे उसके बाद पेड़ लगाएंगे, या पहले पेड़ लगाएंगे फिर हम क्रिकेट खेलेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे छोटी छोटी एक्टिविटियां आपके दिमाग में प्लान होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा आज ही आपका ग्रुप तैयार होगा और इतनी लंबे सोचने के लिए आपको काम करना, मतलब आपको आज ही दोस्त बनाने हैं। अगर आज ये मेरी विचारधारा में है तो धीरे धीरे ये काम होगा। अगर ये काम मेरी विचारधारा में ही नहीं है तो काम नहीं होगा। अगर मैं 30 साल की उम्र में आके ये सोचूं कि भैया मुझे 60 में तो रिटायरमेंट होना है, तो 55 के करीब पहुंचूंगा तब दोस्त बनाऊंगा, नहीं। ये सिस्टम आपको आज से शुरू करना है। आपका एक ग्रुप हमेशा ये बताएगा कि आप अकेले नहीं हो, बिजनेस में, व्यापार में, चीजों में। आपका एक ग्रुप आपको सामाजिक व्यवस्था में कॉन्ट्रीब्यूट करना सिखाएगा। आपका एक ग्रुप आपको लीडरशिप का स्किल देगा। आपका एक ग्रुप आपको हमेशा एनर्जाइज रखेगा। और आपका एक ग्रुप आपके रिटायरमेंट के प्लान के भीतर काम करेगा, जो मेरा रिटायरमेंट प्लान है। अब कहते हैं जी रिटायरमेंट किसने देखी, तो फिर मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि अगर किसी का ये जवाब हो कि रिटायरमेंट किसने देखी, तो आप ये भी मान के चलिए कि अमीरी किसने देखी। जिसने रिटायरमेंट नहीं देखी उसने अमीरी भी नहीं देखी। मैंने 30 साल जिंदगी के 20 साल काम किया, उसके बाद अगर मैं आराम से बैठ के अपने किस्से शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ कि मैं ऐसे किया करता था, मैं वैसे किया करता था, तो मैंने उस हैप्पीनेस को नहीं जिया। अगर मैंने उस हैप्पीनेस को नहीं जिया तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी अमीरी को सिर्फ पैसे, एक मशीन बनके जिया, और वो मशीन पैसे कमाती थी, बस मशीन पैसे के पीछे भागती थी, वो मशीन सिर्फ पैसे कमाती थी। अगर वो हैप्पीनेस मेरे साथ जुड़ी हुई है, जिस हैप्पीनेस की तलाश में मैंने अपनी जिंदगी में ड्रीम शुरू किए थे, वो हैप्पीनेस बहुत सारे पड़ाव से गुजरी है। पड़ाव में आपकी शादी, आपकी एजुकेशन, आपके बच्चे पैदा करना, बच्चों की स्टडी और उनको बड़ा करना, उनको सेटल डाउन करना, घर बनाना, सारे खर्चे इकट्ठे करना, अपनी अमीरी की सिक्योरिटी करना, उस पड़ाव में बहुत सारा कुछ आपका पहले से ही तय था, बहुत सारे मतलब दौर आपने जिए हैं। और अगर उन दौरों को जीने के बाद भी आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है और आपके पास एनर्जी नहीं है, तो मतलब आप बूढ़े हो गए, तो मतलब आपने अपनी अमीरी खराब कर दी। अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है, अगर आपके पास अपने आप को आनंदित करने की कोई ऐसी सुविधा है, तो आप ना तो कभी रिटायर होते हैं ना कभी आप बूढ़े होते हैं। आप हमेशा किसी ना किसी काम के अंदर लगे हुए हैं,
आप हमेशा खुशियों को ढूंढना जानते हैं हर जगह से, और आप हमेशा इस बात को कह सकते हैं कि 30 साल पहले मैंने ये प्लान किया था और आज देखो हम साथ साथ हैं। समझ रहे हैं? अब रिटायरमेंट का मतलब 60 साल की उम्र नहीं है, रिटायरमेंट का मतलब 45 साल की उम्र भी नहीं है, रिटायरमेंट का मतलब है जब तक मैं जी रहा हूं तब तक मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को भी अपनी अमीरी में शामिल करूं। अगर मेरी अमीरी में हैप्पीनेस नहीं है और सिर्फ कागज के टुकड़े हैं या बैंक बैलेंस है तो वहां पे मैंने गेम कुछ और कर दिया। फिर मेरे से अच्छा एक गोडाउन है, मेरे से अच्छी एक मशीन है जो मुझसे बेहतर काम कर सकती है। तो अमीरी को जीने के लिए, अमीरी को लेके हमारा एक गोल होना चाहिए। अपनी एक लाइफ के बाद संपूर्ण लाइफ में क्या करूंगा 30 साल के बाद, ऐसा गोल मेरे पास होना चाहिए। और उस गोल के लिए मैं क्या क्या सामाजिक कार्य करूंगा, किस प्रकार से मैं अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ूंगा, क्या मकसद रहेंगे उस टाइम पे मेरे जो मैं करना चाहता हूँ नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, आज क्या कर सकता हूँ तब क्या करूंगा, आज इतनी शुरुआत काफी है तब इतना कर लूंगा, वो मकसद होना बहुत जरूरी है। इफ वी डोंट हैव पर्पस, अगर मेरे पास मेरे अमीर होने का पर्पस है कि अमीर होने से मैं लग्जरी को एंजॉय करूंगा, मैं सुविधाओं को एंजॉय करूंगा, मैं बहुत सारी चीजें करूंगा, तो मेरे पास लाइफ को जीने का भी कोई पर्पस होना चाहिए। मुझे लाइफ को जीने का पर्पस सिर्फ ये नहीं रखना कि मुझे अमीर होना है, मुझे स्वस्थ है और खुश रहना है, और मुझे अपनी खुशियों को क्रिएट करने के लिए भी कोई ना कोई मेहनत करनी है। जैसे मैंने कहा कि भैया मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसे का क्या करोगे, पैसे से घर बनाओगे, पैसे से गाड़ी खरीदोगे, पैसे से इंटीरियर बनाओगे, पैसे से आप अपनी सेविंग करोगे, पैसे से गोल्ड बनाओगे, पैसे से आप सारी फैसिलिटीज को क्रिएट करोगे, लेकिन उस फैसिलिटी के अंदर बैठ के करोगे क्या अगर आपने अपनी स्माइल को जनरेट करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया? तो क्या करेंगे हम? टीवी में फिल्में देखेंगे, गाने सुनेंगे, बोर हो जाएंगे 2 4 5 10 दिन के अंदर, या छोटे मोटे घर के काम करेंगे, बच्चे खिलाएंगे अपने बच्चों के, वो अमीरी नहीं है। अमीरी ये है कि मैं अपनी टर्म्स पे अपनी लाइफ को जी रहा हूँ, और मेरी टर्म्स क्या थी, मेरी टर्म्स मैंने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ही लिख ली थी, और वो टर्म्स मेरे ब्रेन को भी एक पर्पस दे रही है। साइकोलॉजिकली मेरे ब्रेन को पता है इस आदमी को ये काम करना है, उसको स्वस्थ रखना है, और मुझे भी एक पर्पस दे रही है। मैं भी एक्साइटमेंट से उस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ कि जब मैं ये सब कुछ इंजॉय करूंगा, ना कि मैं डर के बैठा हूँ कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, और रिटायर होने का मतलब ब्रेन को पता भी किसी काम का नहीं। अब मेरे पास ये सिस्टम नहीं है कि मैं किसी काम का नहीं, मेरा एक नया जीवन स्टार्ट होगा, मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, और उस जर्नी के अंदर मैं, मेरी हैप्पीनेस, आज मैं और पैसा, राइट, आज मैं और पैसा, कल क्या होगा, मैं और मेरी हैप्पीनेस, और जब मैं और मेरी हैप्पीनेस मेरे साथ होंगी तो मेरे पास जीवन जीने का एक स्ट्रॉन्ग मकसद है। उस वक्त मैं अपनी अमीरी को समाज के साथ जीऊंगा, उस वक्त मैं अपनी अमीरी को नेचर के साथ जीऊंगा, और मैं अपने ग्रुप के साथ बैठूंगा तभी तो स्माइल करूंगा। बूढ़े व्यक्ति क्या ढूंढते हैं, सभी बूढ़े व्यक्ति क्या ढूंढते हैं पता है आपको, कोई बात करने वाला मिल जाए, ये ढूंढते हैं ना, या कुछ और ढूंढते हैं? और जवान व्यक्ति क्या कहता है, भैया आपसे ही बात करूंगा तो पैसे कब कमा के लाऊंगा, घर कैसे चलाऊंगा, बाहर आपको नहीं पता क्या कुछ हो रहा है, आपके वाला जमाना नहीं चल रहा, अभी अभी जमाना बड़ा खराब हो गया है। और बूढ़ा व्यक्ति कहता है, 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा मेरे साथ भी बैठ लिया करो, मुझसे भी बात कर लिया करो। वो क्या ढूंढ रहा है व्यक्ति, वो सिर्फ हैप्पीनेस ढूंढ रहा है कि मैं किसी से बात कर सकूं। उसने भी सारी जिंदगी कमाया है, उस व्यक्ति ने भी पूरी जिंदगी काम किया है, और वो अगर 1 साल में जितना बूढ़ा होना था वो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में उतना बूढ़ा नहीं होगा जितना वो 1 साल में होगा, तब जब उसके साथ कोई बात करने वाला साथी नहीं। तो जीवन में मेरे ब्रेन के पास ऐसे साथियों का होना बहुत जरूरी है जिनके साथ मैं अपने अनुभव, अपनी खुशियां बांट सकूं, जिनके साथ मेरे हैप्पीनेस के प्लान। ऐसे साथियों में अब हम ये कहते हैं जी धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, खराब लोग मिलेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने इनपुट पे ध्यान दो। इफ आई एम राइट यू आर राइट, अच्छे भी लोग होते हैं खराब भी लोग होते हैं, लेकिन मैं क्या हूँ, मुझे अपने पे फोकस करना है। जब मैं अपने पे फोकस करूंगा तो सामने वाले के ऊपर उसका प्रभाव जरूर आएगा। अगर आपको 100 दोस्त बनाने हैं तो आप 200 बना लो, 100 भाग भी जाएंगे तब भी आपके पास, आपका टारगेट आपके साथ है।
और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को जोड़ोगे तो आज की डेट में बिजनेस में भी सपोर्ट पाओगे, पैसे में भी सपोर्ट पाओगे। और अगर आज ही सामाजिक हो जाओगे, सामाजिक होने का मतलब आज ही अगर आप नेचर या समाज कल्याण के लिए कोई एक्टिविटी पकड़ के उस ग्रुप के साथ काम करोगे, तो उस ग्रुप के पास एक मकसद है आगे बढ़ने के लिए, तो वो ग्रुप आपके साथ और लॉन्ग टर्म और आगे आपको जुड़े रखने के लिए मजबूर करता है, आपको साथ रखता है। और जब मेरा रिटायरमेंट शब्द दिमाग से डिलीट हो गया, तो मैं कहाँ आ गया, मैं नॉन रिटायरमेंट प्रोफेशन के अंदर आ गया। और नॉन रिटायरमेंट प्रोफेशन के अंदर दो चीजें होती है, सेवा कर्तव्य और धर्म, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो सेवा कर नहीं पाते हम पैसे कमाने के चक्कर में, कर्तव्य हम पूरा निभाते हैं, धर्म भी हम पूरा निभाते हैं। तो नॉन प्रोफेशन में हमारे पास आ गया सेवा। जब मेरे पास अमीरी है, अमीरी की सुरक्षा है, तो मैं हैप्पीनेस के लिए काम कर रहा हूँ। आपकी हैप्पीनेस किस चीज में होगी? आप खुशियों को कहाँ ढूंढोगे? आप खुशियों को सेवा में ही ढूंढोगे। सेवा कैसी? सेवा कुछ ऐसी कि आप पौधे लगा रहे हैं, आप पेड़ लगा रहे हैं, आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सारे सेवा करने के तरीके हैं। उस वक्त आप अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को मर्ज कर पा रहे हैं सेवा के साथ, चीजों के साथ जो आप पहले नहीं कर पाते थे, जो आप पहले नहीं कर पाते थे। और ये मकसद आपको क्या देगा? ये मकसद आपको लंबी आयु देगा, ये मकसद आपको जिंदा रखेगा, ये मकसद आपको अमीरी का एहसास करवाएगा, मतलब आप अमीरी को भोग सकेंगे, ये मकसद आपको आपके हैप्पीनेस जोन के अंदर रखेगा हमेशा, और ये मकसद आपको हमेशा ये रियलाइज करवाएगा कि मैंने जो अपने जीवन में ये डिसीजन लिया, ये डिसीजन मेरी अमीरी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था। पैसा कमाना कोई मतलब बहुत बड़ी बात थोड़ी है, पैसा कमा के अगर मैं खुश नहीं हूँ, मैं हेल्दी नहीं हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं पैसा कमा के हेल्दी हूँ, पैसा कमा के मैं खुश हूँ, तो मेरा पैसा मेरे साथ मतलब सही बिहेव कर रहा है और मैं पैसे के साथ भी सही बिहेव कर रहा हूँ। जब मैंने इस मकसद को अपनी अमीरी में शामिल कर लिया, जब मैंने इस मकसद को अपने उसके अंदर शामिल कर लिया, क्या नाम है, व्यक्तिगत थ्योरी के अंदर शामिल कर लिया, तो इस मोमेंट पे मेरे को एक बात क्लियर समझ में आती है। दैट इज व्हाट, दैट इज वेरी क्लियर कि भैया मैं वो वाला अमीर नहीं हूं जो पीछे कुछ छोड़ गया, जो पीछे अपनी खुशियों को ढूंढ रहा है, जिसको रिग्रेशन करना पड़ रहा है इस बात के ऊपर कि भैया मैं अब जीते जी ये कर लेता या जीते जी मैं वो कर लेता, जवानी के टाइम पे मैं ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था, मैं वो अमीर नहीं हूँ। मैं वो अमीर हूँ जिसके पास रिग्रेशन नहीं है, जिसके पास प्लान्स हैं, और जिसके पास प्लान्स होते हैं ना, वो अपने प्लान्स के साथ वो हमेशा आगे बढ़ता है। और जिसके प्लान्स खत्म हो जाते हैं ना, वो कहता है अब क्या करूं। जिसके प्लान खत्म हो जाएंगे वो यही कहेगा ना, अब क्या करूं। हर रिटायर्ड आदमी क्या कहता है, अब क्या करूं, रिटायर हो गया अब क्या करूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब क्या करूं, तब सोचने से अच्छा इस सवाल को मैं आज सोच लूं कि अब क्या करूं। यही सवाल आपको उस एज पे भी सोचने को मिलेगा जहां पे आप कहोगे कि मैं थक गया, बस अब मैं कमाना नहीं चाहता। तो यही सवाल स्वयं से आज पूछ लो कि मैं अब क्या करूं। जब यही सवाल मैं तब पूछ सकता था और यही सवाल मैं आज पूछ सकता हूं, तो उस मोमेंट का बड़ा फर्क हो जाएगा। तब पहले और बाद नहीं बचेगा, पहले और बाद की घटना हमारे बीच से समाप्त हो जाएगी जब मैंने कहा आज कि अब मैं क्या करूं। पूछ के देखिए स्वयं से, अब मैं क्या करूं। रिटायर होना चाहते हैं 45 की एज में, 50 की एज में? रिटायरमेंट का मतलब समझ में आता है हमें कि रिटायरमेंट का मतलब क्या है, रिटायरमेंट किससे होना है? धन में एक सीमित टाइम तक उतना कमा लूंगा कि जिसके बाद मैं अपनी हैप्पीनेस को जीना चाहूँ, जिसके बाद मैं अपनी हैप्पीनेस को जी पाऊँ, ये होना चाहिए मेरे दिमाग में। ना कि ये कि 45 की उम्र में मुझे रिटायर्ड हो जाना है। नो नो नो, ऐसा क्राइम नहीं करना अपने आप से, ऐसे शब्द भी मत बोलना से एक सीमित टाइम तक मैं पैसा कमाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को इंजॉय करूंगा। और इंजॉय किसके साथ करूंगा, कैसे करूंगा, वो मोमेंट्स भी आपके दिमाग में प्लान होने चाहिए। अगर आपका उस टाइम पे कोई एक आधा हाथ पैर काम नहीं भी कर रहा और आपके पास किसी चीज की कोई कमी भी है, तो आपका ये ग्रुप जॉब आज बनाओगे जिसके साथ आज अपनी हैप्पीनेस को प्लान कर रहे हैं, वो ग्रुप पता है क्या होगा उस टाइम पे आपका?
कौन सा ग्रुप कहलाएगा, वो ऑटोमेटिक आपको पिक कर लेगा। जो एक के पास कमी होगी दूसरा अपने आप पूरा कर देगा। सिर्फ स्कूल डेज में ही आपको स्कूल में लंच ले जाके खाने का मजा नहीं आता, जब आप बड़े हो जाते हैं तब भी आप पिकनिक पे जाते हैं तो आपको बाहर जाके खाने का मजा आता है। और जब आप एक ऐसी एज में होंगे जहां सिर्फ आपको हैप्पीनेस को जीना है और क्या करना है, आज पार्क में बैठ के गप्पे मारनी है, पूरा दिन चुटकुले सुनाने हैं, बातें करनी है, इधर उधर की ये सब करना है, तो अपना टिफिन लेके निकलेंगे और वो काम भी हम करके आएंगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास हैप्पीनेस को जीने का एक मौका है, मैं अपनी हैप्पीनेस को जी पाऊंगा। इस सवाल को लोग करते हैं किस एज में जाके, पता है इस सवाल को लोग करते हैं 58 60 65 की एज में, मैं क्या करूं मैं क्या करूं। ये आपको 30 साल पहले सोच लेना चाहिए था, 20 साल पहले सोच लेना चाहिए था। और अगर आज सोच रहे हो तो आज ही डिसाइड कर लो कि मेरा एक ग्रुप होना चाहिए, ठीक है जी, और उस ग्रुप के अंदर मेरे रिटायरमेंट्स के ड्रीम होने चाहिए। फिर ये बात नहीं कहनी कि भैया कोई पहले चला गया तो सपने टूट जाएंगे। सपने जीने के लिए होते हैं, बांटने के लिए होते हैं, टूटने के लिए नहीं होते। इस प्रकार से अपने अपना क्या सिस्टम रहता है, मैं वाइफ बच्चे इनके उनके बच्चे हम खुश हैं जी। यहाँ पे आप क्या उतने खुश हो, जो आप बोलना चाहते हो आप बोल पाते हो किसी के सामने भी, जो आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो। वाइफ को हस्बैंड की कंप्लेंट करनी है मान लो, शिकायत है, वो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस घर में बॉस वही है, ठीक है जी। और हस्बैंड को वाइफ की करनी है वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कोई भी अपनी बात खुल के रख ही नहीं पाता जब आप एक सीमित दायरे के अंदर होते हो। जब आप बाहरी पूरे दायरे के अंदर हो और आपके पास तो सब कुछ है, साइकोलॉजी है, बातचीत करने की कला है, और उस टाइम पे आपके पास एक बेहतरीन अनुभव भी होगा, ठीक है जी। और जब आप उस सीमित दायरे से बाहर अपने फ्रेंड्स के जोन में जाते हो तो क्या होता है, हैप्पीनेस। बचपन में जब घर वाले अंदर बुलाते हैं और बच्चे अंदर नहीं आते हैं, बाहर खेलने दो जी हमें, बाहर खेलने दो जी हमें, हम बाहर ही खेल रहे हैं। और संडे को जब हम कहेंगे जी बहुत धूप है, हम कहेंगे जी बहुत ठंड है, लेकिन उनको क्रिकेट खेलने जाना है, उनको फुटबॉल खेलने जाना है, उनको पार्क में जाना है, यही बिहेवियर होता है ना बच्चों का। वो अपनी खुशियां कहाँ ढूंढ रहे होते हैं, वो अपनी खुशियां अपने दोस्तों के साथ ढूंढ रहे होते हैं। और कहते हैं कि जिस एज को आप रिटायरमेंट कहते हो वो एज भी तो, उस एज में भी तो आप चाइल्डिश होते हो, उस एज में भी तो आपका यही सब करने का मन करता है। लेकिन वो बात अलग है कि मैं बैट बॉल खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन चेस तो खेल पाऊंगा, कैरम तो खेल पाऊंगा। बट डिड आई प्लान, क्या मैंने कभी इस बारे में सोचा, क्या मैंने ये मान लिया कि ये बहुत दूर की बात है, इसको अभी सोचना बहुत गलत है। और अगर मैंने ऐसा सोचा नहीं, ऐसा मैंने माना नहीं, तो मैंने अपनी लाइफ को कोई पर्पस नहीं दिया, अपनी अमीरी को भी मैंने हैप्पीनेस का पर्पस नहीं दिया। ऐसा कोई पर्पस अमीरी को नहीं दिया जहां पे जाके मैं कहता हूँ कि भैया पैसे की अमीरी नहीं है, अमीरी किसी और चीज की भी है, और मैंने अपनी अमीरी को वो पर्पस नहीं दिया। और जब मैंने अपनी अमीरी को एक पर्पस दे दिया, एक टैग दे दिया और टारगेट दे दिया, तो क्या मैं उस अमीरी को नहीं जीऊंगा? तो क्या मेरा गोल सीमित रहेगा? क्या मैं एक मजदूर की तरह पैसे कमाता रहूंगा या एक मजदूर की तरह जीवन भर भाग दौड़ करता रहूंगा? क्या मेरे जीवन में हैप्पीनेस का जोन नहीं होगा? लग्जरी गाड़ी का सुख भी एक टाइम पर, लग्जरी घर का सुख भी एक टाइम तक है। रोज वही दीवारें हो जाती हैं, चाहे आप कितना ही बड़ा घर बना लो, रोज वही दीवारें देखने को मिलेंगी। लग्जरी गाड़ी में भी रोज वही क्या नाम है सीट, रोज वही कंफर्ट जोन। शुरू शुरू के शौक होते हैं, बाद में सब कुछ पैक हो जाता है, राइट। बाद में सब कुछ लगता है कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाली फीलिंग आती है। लेकिन एक जोन ऐसा होता है जो कभी ओवर नहीं होता, और वो जोन होता है आपकी फ्रेंडशिप का जोन। आपकी फ्रेंडशिप के जोन कभी ओवर नहीं होते, आपकी फ्रेंडशिप के जोन में आप हमेशा जीते हैं। अच्छे दोस्त, काबिल दोस्त, ऐसे लोग जिनको आप बोल सको कि भैया अभी तो आइसक्रीम खा रहे हैं लेकिन जब मुंह में दांत नहीं होंगे तब भी खाएंगे, जब ये शब्द आप बोल रहे हो और जब उस मोमेंट को आप जियोगे तो आपकी हैप्पीनेस क्या होगी? ये आज लगता है कि शायद बहुत दूर की बात है, लेकिन तब लगेगा कि हाँ मैंने ऐसा बोला था और आज मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ। वो जो मोमेंट होगी वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है जी। और ये जो मोमेंट है ये बहुत डिफरेंट है, लेकिन अगर मैंने अपने गोल का बीज में अपने दिमाग में डाल सकता हूँ
इस बात को लेके है कि मुझे अमीरी को महसूस करना है, तो मुझे अमीरी को कैसे महसूस करना है ये जानना बहुत जरूरी है। लग्जरी कार ड्राइवर चला रहा होगा जी, जो आपके सपने हैं ना लग्जरी कारों के, BMW आपका ड्राइवर चला रहा होगा, और आप नहीं भी ड्राइवर रख के एंजॉय करना चाहोगे तो लोग टोकना शुरू कर देंगे जी, आप क्यों गाड़ी चलाते हो, आप शोभा नहीं देते, आपको ये गाड़ी चलानी, एक दो ड्राइवर रख लो, ठीक है जी। फिर कहेगा कोई बाउंसर रख लो जी साथ में। अब उसके बाद आपका क्या हुआ भैया, 1 करोड़ की गाड़ी है चला रहा कोई और है, 20 लाख की कार है चला रहा कोई और है, मुझे उसको आ रहे हैं गाड़ी चलाने के, और मैं पिछली सीट पे बैठ के फोन देख रहा हूँ तो चक्कर आ रहे हैं मेरे को, गाड़ी में फोन देखने तो चक्कर ही आते हैं लोगों को, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही मैंने 20 लाख 25 लाख क्यों लगाए जब मेरे को इंजॉय नहीं करना है। ड्राइव तो खुद करनी चाहिए ना, इतनी बड़ी गाड़ी है तो लॉन्ग ड्राइव के लिए ड्राइवर होने चाहिए, वैसे सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब को उस मोमेंट को जीने के लिए तो खुद होना चाहिए। अब एक पल की ये जो बात है कि साल में 2 से 3 दिन होने चाहिए आपके पास, वो 2 से 3 दिन आपके पास आपके परिवार नहीं होने चाहिए हर साल, फैमिली आउट, और उस 2-3 दिनों में आप सिर्फ अपने दोस्तों के साथ होने चाहिए, और 2-3 दिन आपको दोस्तों के साथ एंजॉय करने हैं, वट एवर जोन यू वॉन्ट, जैसे आपका ग्रुप है 5 दोस्त 10 दोस्त, और मान लो 10 बार आप मिलते हो तो 10 साल में आप 10 डिफरेंट डेस्टिनेशन पे मिल रहे हो, कभी गोवा मिल रहे हो, कभी डलहौजी मिल रहे हो, कभी शिमला मिल रहे हो, कभी कहीं और मिल रहे हो, ठीक है जी। आप 10 डेस्टिनेशन पे घूम लिए तो आपके पास कितनी मेमोरी है बात करने के लिए, और सर हर साल जब आप उन 3 दिन को याद करोगे तो आप कहोगे कि वो 3 दिन तो जन्नत थे मेरी लाइफ के अंदर, वो 3 दिन तो स्वर्ग की तरह जिए, जब कोई अपने फ्रीडम में अपने फ्रेंड्स के जोन में जिया, एंड दैट इज नॉट क्राइम। अगर आप अपनी खुशियों के लिए जी रहे हैं तो साल में 72 घंटे तो आप अपने लिए जी सकते हैं ना, कि नहीं जी सकते हम 72 घंटे अपने लिए, और अगर हम 72 घंटे भी नहीं जी सकते तो फिर हम किस बात के अमीर बन रहे हैं। मेरे को मेरी हैप्पीनेस का जोन चाहिए तो मुझे अपनी हैप्पीनेस को आज ही क्रिएट करना पड़ेगा, अगर मुझे मेरी हैप्पीनेस का जोन नहीं मिल रहा, मैं अपनी हैप्पीनेस के जोन को क्रिएट नहीं कर रहा और मैं अमीर बनने के पीछे भाग रहा हूँ, तो बट आई एम डूइंग, आई एम लाइक ए रोबोट, आई एम लाइक ए लेबर, मैं एक लेबर हूँ, मैं एक रोबोट हूँ, उस केस के अंदर मैं सिर्फ पैसा बना रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, मैं खुद को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, खुद की हैप्पीनेस को मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, वहां पे गेम ओवर। एक्साइटमेंट नहीं है, अमीरी की भी एक लिमिट तक एक्साइटमेंट होगी ना, कितनी लिमिट है अमीरी की बताओ, किस लेवल तक आप जाके ये कह दोगे कि अमीरी खत्म हो गई, अच्छा घर मिल गया, सिक्योरिटी के लिए लैंड मिल गई, आपके पास गोल्ड है, आपके पास गाड़ी है, सब कुछ है, अब इसके बाद क्या क्या बचा, हैप्पीनेस, या हम कहें चलो जी भगवान जी का माली है, जन्म का काम पूरा आप ले चलो, ये बचा नहीं बचा ना, यहां से रिटायर तो नहीं होना ना कभी भी, पैसा एक लिमिट तक कमाऊंगा, और जब तक यहाँ पे जिंदा हूं और यहाँ पे जिंदा रखने के लिए मैंने इंतजाम क्या किए हैं, उस इंतजाम की मैंने नहीं सोची, मैं बूढ़ा होके कहाँ रहूंगा, इसके चक्कर में मैं आधी जवानी बिता दूंगा, लेकिन मैं अपनी हैप्पीनेस के लिए क्या काम करूंगा, मेरी हैप्पीनेस का जोन क्या कहता है, उसको मैंने कभी भी समझने की कोशिश नहीं करी। और अगर मैंने अपने हैप्पीनेस के जोन को जीना शुरू कर दिया, आज से ही उसका मैंने सीड डाल दिया धरती के अंदर, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ उस केस के अंदर, इन दैट केस मैं अपनी अमीरी के तरह अमीरी के गोल को जी रहा हूँ, एंड दैट इज माई हैप्पीनेस। और किसके लिए, मतलब किस चीज की खोज है हमारे जीवन के अंदर, हैप्पीनेस की खोज है हमें, हैप्पीनेस के अलावा हमें किस चीज, आप क्या चाहते हो, अगर आपका कोई दोस्त है तो आप उसके साथ खुश रहना चाहोगे, वो आपसे क्या चाहेगा, खुश रहना चाहेंगे, हैप्पीनेस की खोज का मतलब क्या है हमारे जीवन के अंदर, दैट इज अ सिंपल मीनिंग कि भैया इस मोमेंट पे मैं बहुत खुश हूं बस, और मेरे पास अगर दौलत है मतलब सिक्योरिटी है तो उसके बाद मेरी खुशियां डबल है, तो मैं उसको जीने का एक मकसद भी रखूं, और अगर मैंने मांग ली रिटायरमेंट और मैंने कह दिया कि मैं बूढ़ा हूं, तो मैंने जितना बूढ़ा मेरे को 1 साल में होना था उतना बूढ़ा 2 साल में होना है, उसके बाद मैं रिग्रेशंस में चला जाऊंगा कि मेरे को तो ये हो गया, मेरे को तो वो हो गया, मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसा था, और उस चीज का कोई बेनिफिट ही नहीं है लाइफ के अंदर, रिग्रेशन के साथ जीने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, जब तक जब मैं हैप्पीनेस को जी सकता हूँ तो मैं रिग्रेशन को क्यों चुनूं, और जो चीज अगर मैं ये सोच मान के चलता हूँ
कि पैसा कमाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और पैसे के साथ मेरा सर्वाइवल जुड़ा है, तो क्या मेरी खुशियों के साथ मेरा सर्वाइवल नहीं जुड़ा? क्या मेरी हैप्पीनेस के साथ मेरा सर्वाइवल नहीं जुड़ा? क्या मेरी हेल्थ के साथ मेरा सर्वाइवल नहीं जुड़ा? और अगर मैं इन सारी चीजों को कंबाइंड नहीं करता तो मैं अमीर नहीं हूँ। और अमीर होने के लिए आपको इन सब चीजों को बेहतरीन तरीके से प्लान करना आना चाहिए। दोस्त आपका चाहे कहीं भी हो दुनिया में, दोस्त दोस्त ही रहेगा, लेकिन उस दोस्त के साथ साल में एक मुलाकात, प्लान और बहुत सारी बेहतरीन यादें, चाहे आपको 10 साल में रिटायर होना है, 5 साल में होना है, 20 साल में होना है, पैसे कमाने से मतलब मैं हैप्पीनेस के जोन में ट्रांसफर होऊंगा, मेरी ट्रांसफर होगी, तो उस हैप्पीनेस जोन के लिए आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप एक नौकरी करते हैं, लाइक आप एक जॉब करते हैं, उस जॉब में आपको प्रमोशन लेनी है, तो प्रमोशन के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है ना, प्रमोशन की तैयारी करनी पड़ती है। और अगर आप प्रमोशन की तैयारी नहीं करते, एग्जाम नहीं देते, तो आपकी प्रमोशन नहीं होती। अगर आपने हैप्पीनेस की तैयारी नहीं करी और हैप्पीनेस को जीना चाहते हो, तो हैप्पीनेस मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। एंड साइकोलॉजी कहती है कि जिस व्यक्ति ने हैप्पीनेस के लिए प्लानिंग नहीं करी, वो अमीर बन के भी अमीर नहीं बना, वो कुछ भी नहीं कर पाया, उसका खजाना डाकू लूट के ले गए, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि उसके जीवन में हुआ क्या, मतलब उसने व्यर्थ कर दी वो सारी की सारी मेहनत जो उसने अपनी जवानी के अंदर स्वयं को जमीन से उठा के आसमान तक ले जाने में करी। अगर आप जमीन से आसमान की बात करते हो, ठीक है जी, मतलब अगर आप बात करते हो कि मैंने इस लेवल से शुरू किया और आज मैं ये हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? उसके लिए आपको आज ही अपना हैप्पीनेस का एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि मेरी खुशियां क्या है, आप अपने ऊपर कितना खर्च करोगे साल का, साल में 3 दिन में आप अपने ऊपर 15,000 20,000 से ज्यादा थोड़ी खर्च कर लोगे, 50,000 कर लोगे। उतने पैसे का बजट बनाओ, उन खुशियों को जियो, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जियो, नो रोक टोक, नो बातचीत, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जियो और अपनी कंडीशंस पे जियो। और साल में एक बार मिलने वाले दोस्त हैं तो रिटायरमेंट में बहुत पक्के दोस्त हैं, ये आप मान के चलो। फिर वो जोन है आपके पास। बहुत सारे लोग बाहर की कंट्रियों में क्या करते हैं, उनके पास एक प्लान है, एक सिस्टम है, वो लोग पैसा इकट्ठे करते हैं, संगठन बनाते हैं, थोड़े थोड़े पैसे सभी मिलाते हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे सब एक जगह पे अपना एक सिस्टम बना देते हैं कि हम यहाँ रहा करेंगे, हम यहाँ मिला करेंगे और बच्चे यहीं पे मिलने आते रहा करेंगे। और ये मैं एक शहर की बात नहीं बता रहा, ये इंटायर जापान का कॉन्सेप्ट है। इंटायर जापान में फ्रेंड्स के ग्रुप बनते हैं, 60 साल 58 साल में वो लोग रिटायर्ड होते हैं, बच्चे जब 18 20 साल के होते हैं बोलते हैं जाओ जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, हम यहाँ रहेंगे। कपल्स के कपल्स सब साथ में रहते हैं ग्रुप बना के। और जापान में एक चीज है, हर 1 लाख में 24 से 25 आदमी ऐसे होते हैं जो 100 साल 125 साल के होते हैं, हर 24 से 25। और उनकी खुशियों का कारण क्या है? हैप्पीनेस। रिटायर्ड नहीं होते, 90 साल तक किचन का काम खुद कर रहे होते हैं, 100 साल की एज में भी वहां के लोग अपने काम खुद कर रहे होते हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उन्होंने इस हैप्पीनेस जोन की प्लानिंग तब कर ली थी जब वो 30 साल के थे, जब वो 35 साल के थे। और अगर मैं इस हैप्पीनेस जोन को प्लान कर सकता हूँ अपने दिमाग के अंदर और उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है मेरे को 10 अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन जरूरी ये जरूर है कि मेरे को 10 अच्छी मोमेंट मिल जाएंगी और मेरे पास इनफ टाइम है स्वयं को करेक्ट करने का, अपने ग्रुप को करेक्ट करने का और चीजों को करेक्ट करने का। और अगर वे सब लोग मेरे बिजनेस से ही संबंधित हैं, मतलब जो मैं करता हूँ वही वो करते हैं, तो मुझे आज से ही बहुत कुछ सीखने को उनसे मिल जाएगा, उनको आज ही बहुत कुछ सीखने के लिए मुझसे मिल जाएगा। और साइकोलॉजिकली आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दैट मोमेंट, मेरे पास आज से ही वो मकसद है, साइकोलॉजिकली मैं आज ही वैसे जी पा रहा हूँ जैसे मुझे जीना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। और पैरामीटर चाहे आपके कुछ भी हैं, हर किसी के अपनी लाइफ को जीने के एंजॉय करने के पैरामीटर अलग होते हैं, पैरामीटर आपके पर्सनल हैं, जैसे आपके पैरामीटर्स होते हैं वैसे ही आपके दोस्त होते हैं। अब जब मेरे पास ये लक्ष्य है, मेरे दिमाग के अंदर ये गोल है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस प्रोफेशन में नहीं हूँ जहाँ पे मुझे कभी रिटायर्ड हो जाना है।
मैं उस प्रोफेशन में हूँ जो नॉन रिटायरमेंट का प्रोफेशन है, लेकिन मुझे ट्रांसफर होना है एक जोन से दूसरे जोन में। पैसा कमाते कमाते भी मैं हैप्पीनेस को एंजॉय करूंगा और हैप्पीनेस को क्रिएट करने की एक्टिविटियां करूंगा, लेकिन पैसा कमाने के बाद मैं सीधा सीधा अपने हैप्पीनेस जोन में ही हमेशा रहना चाहूंगा। उस हैप्पीनेस जोन के अंदर मेरा मेंटल भी इन्वॉल्व होना चाहिए, मेरा फिजिकल भी इन्वॉल्व होना चाहिए और मेरी हैप्पीनेस भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। मतलब मैं आज ही वो गेम्स प्लान कर लूँ कि उस वक्त में मुझे क्या ब्रेन जिम करनी है, उस वक्त मैं चेस खेलूंगा और मुझे अभी चेस खेलनी नहीं आती तो अभी मेरे पास इनफ टाइम है, मैं सीख सकता हूँ आज से ही, आज से ही मैं चेस खेलनी सीखूंगा। उस टाइम पे मुझे कैरम खेलनी है तो मैं आज से ही प्रैक्टिस करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। उस टाइम पे मुझे जो भी करना है उसकी प्रैक्टिस में भी मैं आज से इन्वॉल्व हो गया, तो मतलब मैं माइंड बॉडी के साथ अपनी हैप्पीनेस को चूज कर रहा हूँ और मैं अपनी हैप्पीनेस को जीने के लिए वो एफर्ट भी दे रहा हूँ जो मुझे देना चाहिए। होता क्या है फ्यूचर में वो हम लोगों के हाथ में नहीं है, बट एक चीज हमारे हाथ में है कि मैं अच्छा सोच सकता हूँ, मैं अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ और कल को मैंने कोशिश नहीं करी ये रिग्रेशन मेरे पास नहीं रहेगा। और जब मेरे पास ये है तो मैं उस लाइफ को जी रहा हूँ जो मैंने क्रिएट करी। एक मोमेंट पे आके तो वो लाइफ वही हो जाएगी ना जिसको मैंने क्रिएट किया। और उस टाइम पे अगर किसी एक आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब भी होती है तो दूसरा आदमी उसकी हेल्प करता है, किसी एक आदमी के साथ कोई घटना या दुर्घटना भी होती है तो एक ग्रुप उसके साथ खड़ा होता है, तो उस टाइम पे जो अकेलेपन का एहसास है, देखिए ये एक बहुत गहरी बात है कि उस वक्त पे ही ये एहसास आता है, उससे पहले तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। उस मोमेंट पे ये एहसास आ जाता है जब आपके साथ कोई बात करने वाला व्यक्ति नहीं होता। तो दैट मोमेंट के लिए अगर आपने आज ही प्लानिंग कर ली तो मैंने क्या कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया कि भैया मैं तो जवान ही रहने वाला हूँ, मैं स्वस्थ रहने वाला हूँ, मैं खुश रहने वाला हूँ और ये अधिकार मैंने स्वयं को तब दे दिया था जब मैं अपने सभी गोल को पूरे करने की क्षमता रखता था। एक मोमेंट होती है ना जब आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं, अगर आप आज भी 60 के हैं, आज भी अगर आप 65 के हैं और आप इस हैप्पीनेस जोन को क्रिएट करना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आपके साथ आप अपनी एज के लोगों के साथ जुड़ो, नहीं अपनी एज के लोगों के साथ जुड़ते तो आप अपने सराउंडिंग के एज के लोगों के साथ जुड़ो, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों की एज के साथ जुड़ो, अपने इंटरेस्ट के लोगों की एज के साथ जुड़ो, लोगों के साथ जुड़ो। जितना जुड़ेंगे आप उतने आप सामाजिक होंगे, उतना आपके अंदर पेशेंस आएगा, उतनी आपकी लीडरशिप क्वालिटी इंप्रूव होगी, उतना ही आपको सीखने को मिलेगा, उतना ही आप चीजों को डिफरेंट डिफरेंट नजरिए से सोचने और समझने लगेंगे, उतने ही आपके पास लेसन्स होंगे, उतनी ही आपकी ऊर्जा हाई रहेगी, उतने ही आप अपने जीवन के अंदर क्या बोलते हैं हैप्पीनेस के जोन में रहेंगे। तो एक रीजन नहीं आपके पास एक ग्रुप बनाने का, आपके पास हजारों रीजंस हैं एक ग्रुप बनाने का और आपके पास टाइम भी बहुत है। जो व्यक्ति अभी 60 की रेंज में है उनके पास टाइम है, जो 60 से कम है उनके पास और ज्यादा टाइम है, जो उससे कम है उनके पास और ज्यादा टाइम है, जो उससे कम है उनके पास और ज्यादा टाइम है, आपके पास बहुत सारा टाइम है जहाँ पे कि आप अपने इस जोन को क्रिएट कर सकते हैं। और अपने उस जोन के अंदर हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहिए, हमेशा जब भी मिलूंगा कुछ अच्छा करके आऊंगा, कुछ अच्छा सिखा के आऊंगा, कुछ अच्छा सीख के आऊंगा, दूसरों को कॉन्फिडेंस दे के आऊंगा, कुछ बांट के आऊंगा, कुछ लेके आऊंगा। हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन खुद को बना के रखिए। जब इस प्रकार के ग्रुप का, इस प्रकार की चेतना का निर्माण आप आज से अपनी हैप्पीनेस का निर्माण अपनी मनी के साथ कर रहे हो तो फिर मनी भी हमारे साथ ही रहना चाहेगी और कहेगी बंदा बड़ा दिलदार है, अपने बुढ़ापे को आज से ही जी रहा है, अपनी जवानी को भी जी रहा है और ये आदमी तो रिटायर्ड होगा नहीं और ये मेरा दोस्त भी पक्का है तो छोड़ के जाना नहीं, तो मनी भी मेरे साथ रहना उस टाइम पे पसंद करेगी और मनी को मैंने इंजॉय नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। अब आता है फेज टू। फेज टू में आता है मेरा परिवार, मेरे सिस्टम, मेरे बहुत सारी चीजें, जिसके अंदर क्या होता है जी बच्चों के डिसीजन चलते हैं एक टाइम पे आके, बच्चों के डिसीजन तब चलते हैं जब आप रिटायर्ड हो गए होते हो, जब आपने इनफ उतना नहीं कमाया होता जितने में कट जाए आराम से, जब आपके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है तब आपके बच्चों के डिसीजन आपके ऊपर चलते हैं। अदरवाइज तो अगर आप समर्थ हो तो 80 साल की उम्र में भी समर्थ हो, 90 साल की उम्र में भी समर्थ हो, उनकी लाइफ उनकी है और आपकी लाइफ आपकी है, आपको इस डिफरेंस समय रहते अपने ब्रेन को समझा देना है, ठीक है जी। जीव जंतु पशु पक्षी अपने बच्चों को अंडे से बाहर आती थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देते हैं और जाओ जी अपनी जिंदगी जियो,
ठीक है, और बहुत सारे पश्चिम देशों में और अच्छी कंट्रियां जहाँ पे बड़े एजुकेटेड और सभ्य लोग रहते हैं, वो व्यक्ति अपने बच्चों को आजाद कर देते हैं टाइम रहते। हमारे इंडिया में ही एक पंगा है कि हम आजाद नहीं कर पाते, 50 की एज का भी बच्चा हो जाएगा, 60 की एज का भी बच्चा हो जाएगा, हम आजाद नहीं कर पाते। वो आजादी उनको नहीं देनी है, वो आजादी हमें स्वयं को देनी है कि भैया हो गए 20 साल 25 साल, सारी सेवा पानी हो गई है, अब तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। सर्कल है, मैं अपने सर्कल के साथ अपनी नॉलेज की शेयरिंग करूंगा, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करूंगा और बहुत सारे सिस्टम करूंगा। जितने भी कीर्तन वीर्तन के कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी पार्कों में ये योगा मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट हैं, सभी बूढ़े लोग क्यों बाहर आते हैं? कभी जाके समझने की कोशिश करना व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, हैप्पीनेस। लेकिन उस हैप्पीनेस के अंदर ना वो हैप्पीनेस मिसिंग होती है जो एक्चुअल चाहिए। एक्चुअल क्या चाहिए? एक्चुअल चाहिए कि मजा आ जाए, एक्साइटमेंट हो। वो पड़ोसी के साथ नहीं आती, क्योंकि पड़ोसी के साथ संबंध कितना पुराना है ये पता ही नहीं, और पड़ोसी के साथ आपने कितनी मोमेंट जी हैं ये भी उसको नहीं पता। ठीक है जी, पड़ोसी कब नाराज हो जाता है ये भी पता नहीं लगता। ठीक है जी, वो मोमेंट आपके उस कंफर्ट जोन के तहत आएगी जो आपने 8 10 साल 12 साल इन्वेस्ट किए हैं, तब आपको समझ में आएगी। एक होता है ना विश्वास, ये मेरा 10 साल पुराना मित्र है, इसके साथ चाय भी नहीं है, आज मजा आ गया। ये एक जो सिस्टम होता है, ये मेरा 15 साल पुराना जानकार है, ये मेरा 10 साल पुराना जानकार है। लेकिन वो सिस्टम बनाने के लिए आपको आज से ही सिस्टम अपना क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आज ही मैं उस सिस्टम को क्रिएट नहीं कर पाया तो उस मोमेंट पे जाके मुझे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। हैप्पीनेस तो मैं थोड़ी बहुत ढूंढ लेता हूँ, बट जो कहते हैं ना स्कोर 100%, वो स्कोर 100% मेरे पास नहीं आता। और स्वयं को आजाद करना होता है एक टाइम पे जाके अपनी लाइफ को जीने के लिए। और अगर आपके पास रिटायरमेंट प्लान है ना, तो इस बात की गारंटी आप मुझसे ले लो कि आप हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे, क्योंकि आपको रिटायर होना है तो स्वस्थ भी रहना है, आप ऑटोमेटिक हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। अगर आपके पास प्लान है उस टाइम को लेके कुछ, तो आज ही आप लोगों के संपर्क में भी रहना चाहेंगे, आज ही आप लोगों के साथ अपने संबंध भी अच्छे रखने चाहेंगे। आप खराब नहीं करेंगे ना 5 साल पुराने दोस्त को, आप उसको बना के संभाल के ही रखोगे अपने साथ, तो आप उनके साथ संबंध भी बना के रखोगे। ऐसी 1000 टाइप की घटनाएं घटेंगी जो आपको व्यक्तिगत रूप से सामाजिक बना देंगी, जो व्यक्तिगत रूप से आपको बैलेंसिंग बना देंगी, जो व्यक्तिगत रूप से आपको समाज के अंदर एक हैप्पीनेस जोन के अंदर फिट कर देंगी। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हमारे अंदर होंगी, और ये तभी होती है जब हम इस जोन को बना लेते हैं। एक होता मेरा फ्रेंड, एक होता मेरी फैमिली का फ्रेंड। इस बात के फर्क को समझ लेना, मेरा फ्रेंड पे फोकस करना है, जो मेरा फ्रेंड है, जो मैं और मेरा ग्रुप। इंटरफेयर जहां पे आएगा वहां बातें शुरू हो जाएंगी। आपको इंटरफेयर वाला सिस्टम नहीं बनाना, आपको अपना जोन क्रिएट करना है, स्वयं का जोन जहां सिर्फ मैं हूं और मेरी हैप्पीनेस है, कुछ भी बोलने की फ्रीडम है, उस जोन में आप कामयाब होते हैं। फैमिली फ्रेंड्स वाला सिस्टम होता अलग है, वो सिस्टम अलग होता है, लेकिन जहां पे मैं रियल हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ वहां पे मैं और मेरा फ्रेंड वाला सिस्टम चलता है। तो एटलीस्ट आपके पास 20 लोगों का एक सिस्टम होना चाहिए, मतलब मिनिमम 20 लोग आपके हैप्पीनेस प्लान के अंदर होने चाहिए, और इन 20 लोगों के साथ आपके संबंध एटलीस्ट 7 से 8 साल पुराने तो होने ही चाहिए। ठीक है जी, और अगर आप आज से भी शुरू करना चाहते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 7 8 साल इंतजार करूं, तो अपने अनुभव के आधार पर डिसीजन लीजिए, इमोशन के आधार पर नहीं, अनुभव के आधार पर डिसीजन लीजिए, और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग आप अपने इस ग्रुप को तैयार कीजिए। बहुत जरूरी है ये समझना कि मैं जीवन में अगर पर्पसफुल नहीं हूं तो सब कोई पर्पस लेके बैठा है, कोई नंबर तो तैयार है जो उसका पर्पस क्लियर है कि भैया इस टाइम पे इस आदमी को आउट होना है। ठीक है जी, और अगर मेरा पर्पस है इंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, तो उसके लिए मुझे अपने हैप्पीनेस का गोल आज ही तय करना पड़ेगा। अगर मेरी हैप्पीनेस का गोल है, आज ही है मेरे पास, तब मैं उस मोमेंट को जीने के लिए आज से ही इंजॉय भी करूंगा, आज से ही मैं वो सारी प्रैक्टिसेस भी करूंगा, आज से ही मैं अपने आप के अंदर बदलाव को महसूस भी करूंगा। और ग्रुप की सबसे बड़ी एक खासियत होती है कि ग्रुप में रह के व्यक्ति सामाजिक बनता है। सामाजिक मतलब दुराचारी नहीं बनेगा, नेगेटिव विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं बनेगा, ग्रुप में रह के व्यक्ति सामाजिक बनता है। सब्जेक्ट टू ग्रुप कैसा है, ग्रुप ऐसा मत बना लेना जो शाम को 6 बजे पीले बोर्ड के सामने मिलते हैं,
कि आ जा भाई ठेके पे बैठते हैं, हम सब दोस्त हैं, वैसा ग्रुप मत बना लेना। ग्रुप ऐसा बनाना जहाँ लर्निंग मिले, सीखने को मिले। मतलब वो वाले ग्रुप मत बताना ना, भाई पान की दुकान पे आ जा, भाई ठेके पे मिलते हैं, दोस्त हैं, गप्पे मारेंगे, वैसा ग्रुप मत बनाना। ग्रुप का मतलब जहाँ मेरी हैप्पीनेस है। मेरी हैप्पीनेस मतलब एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो मेरी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढता है, जो मेरे साथ अनकंडीशनल है, जो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जो मेरी ग्रोथ में अपनी ग्रोथ को देखता है, जिसकी ग्रोथ जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूँ। इट्स हार्ड टास्क, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। मैं अगर अपना इनपुट राइट रखूंगा तो सामने से आउटपुट भी राइट आएगा। अगर दो में से कोई एक इंटेंशनली खराब है तो मुझे पीछे हटने का भी अधिकार है, मेरे पास बहुत समय है। लेकिन इन्वेस्ट योर एनर्जी इन योर हैप्पीनेस गोल। अगर मैं हैप्पीनेस गोल के साथ ही अमेरी को इंजॉय कर सकता हूँ, अगर मैं अमीर हूँ और खुश नहीं तो अमीरी बेकार है, मैं अमीर हूँ और स्वस्थ नहीं तो भी अमीरी बेकार है, मैं अमीर हूँ और हैप्पी हूँ तो अमीरी बड़ी जबरदस्त है। उस मोमेंट पे अमीरी को जीने का मजा कुछ है। भैया जब स्कूल से बाहर निकलते हैं ना, कॉलेज में जाते हैं, तो आजादी से मिलती है, एक आजादी सी। क्या आजादी है, रोज इसी बिल्डिंग को देखते थे, रोज यही टीचर होते थे, रोज किताबें पढ़नी पड़ती थी, रोज सुबह उठ के जाना, आजादी मिलती है कॉलेज में। जब कॉलेज से बाहर आते हैं तो पागलपन होता है जॉब के लिए, और जॉब करते हैं लगभग 30 साल, बिजनेस करते हैं 30 साल, और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो वैसी ही एक्साइटमेंट होती है कि अब कैसे जीऊं, मुझे अब कैसे जीऊं होते, तो तब कहता है कि मैं अब क्या करूं, ये मोमेंट निकल के आता है कि मैं क्या करूं। जो मैं क्या करूं है ना, उसको आज ही सोच लेना है। जैसे बचपन में कहते हैं ना, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, बचपन में कहते हैं ना मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, और बड़े होके हम सेम ड्रीम को रखते हैं, मैं बड़ा आदमी बन रहा हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन अपने रिटायरमेंट प्लान का सिस्टम भी वैसा ही रखो भाई। मैं नॉन रिटायरमेंट प्रोफेशन में हूँ, पैसे कमाने से अलग हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इतना कमा लिया है कि मेरी लाइफ अगर 120 साल भी है, 130 साल भी है, तो भी मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अपने हैप्पीनेस जोन में जरूर जाऊंगा, और मैं अपने हैप्पीनेस जोन को अभी से एक्सपीरियंस भी करूंगा। ज्यादा कुछ नहीं, तो 20 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, साल में एक बार, 3 दिन, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। आप लोग दुनिया से बेखबर कहीं होने चाहिए, जहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में गुड मेमोरीज को क्रिएट कर सके। अगर ऐसा आप कर पाते हैं 7 से 8 साल अपने जीवन के अंदर, तो आप अपने हैप्पीनेस गोल को बहुत जबरदस्त तरीके से जीते हैं और बहुत मजेदार तरीके से जीते हैं। ऐसा आप बार बार भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि हम समझे होंगे कि हैप्पीनेस का अमीरी में क्या रोल है हमारे जीवन के अंदर, और साइकोलॉजी कितनी कितना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जो हमें इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि भैया जीवन यहाँ तक नहीं है, जीवन वहां तक है जहाँ तक तुम्हारी नजर जा सकती है। और हमारी नजर कहाँ तक जा सकती है, हमारी नजर के भीतर ही बहुत कुछ है, और हमारी नजर कितने लाख लाइट ईयर दूर तक संपर्क साध सकती है, ये हमें आज ही पता लगा है। तो जीवन बहुत बड़ा है, और अपने हैप्पीनेस जोन को क्रिएट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाद में ये सोचे कि मैं क्या करूं, आज ही सोच लेते हैं, ठीक है जी। और इस ग्रुप में जो बनाना चाहता है अपना हैप्पीनेस ग्रुप, आप लोग बना सकते हैं, आपस में भी बना सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। आप मैसेज कर रहे थे, मेरे को कोई एतराज नहीं है, आप लोग आपस में भी बना सकते हैं, वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ग्रुप आप तैयार जरूर करें 3 नियमों के साथ। नियम एक, कोई मकसद नहीं किसी से कुछ पाने का, बांटना मेरा मकसद होगा, और किसी प्रकार की कोई नाराजगी और प्रोटोकॉल नहीं रखने। एक दूसरे की खुशी में अगर आप अपनी खुशी में देख सकते हैं तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बनिए। अगर आप एक दूसरे की खुशी में खुशी नहीं देख सकते तो फिर आप दोस्त नहीं बन सकते। और ग्रुप सिखाता है, ये मेरा अनुभव कहता है, कि ग्रुप आपको सामाजिक बनाता है। अगर ग्रुप के अंदर आप बिजनेस टर्म्स को नहीं घुसा देते, ग्रुप के अंदर आप फालतू के इमोशंस को नहीं घुसा देते। ग्रुप किस लिए बनाया, हैप्पीनेस के लिए। हैप्पीनेस क्या है, मस्ती करना, और मस्ती करी और फिर 1 साल इंतजार किया तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो ग्रुप को किस प्रकार से बनाना होता है,
आप तय कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आज कंटेंट बहुत भारी हो गया आप लोगों के, आप लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि आप लोग थक गए हैं, शायद शाम वाली क्लास ज्यादा लंबी हो गई है या ज्यादा गंभीर हो गए हैं हम लोग, कि भैया वो इतना सारा कुछ देख लिया है ना भीतर अपने, आप लोग गंभीर हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो रिलैक्स होकर सो जाइए, टेंशन मत लीजिए। ज्ञान का एक एक शब्द जीवन की किसी न किसी महत्वपूर्ण दौर के अंदर हमारे काम जरूर आता है, और कहीं काम आ रहा नहीं आ रहा वो तो पता है ना, अंदर एक मशीन देखे आज हमने डीएनए में इंफॉर्मेशन जुड़ती चली जा रही है, हमारे डीएनए के अंदर ये सारा ज्ञान जुड़ता चला जा रहा है। तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। मिलते हैं कल शाम 3 बजे एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास के अंदर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।